डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन आपने पढ़ा है जो राउंड स्लोप को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा, दीज डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे एनपी से, तो हम बोल सकते हैं कि या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं या फिर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करते हैं। मोलर कंसेंट्रेशन आपने पढ़ा था एन बी अपॉन वी, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ मोल्स आपके पास मोलर कंसेंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए ये दोनों एक ही बात है। अब चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे दिखाएंगे इसको? वेपर प्रेशर आपने पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, तब हम उसको कहेंगे वेपर प्रेशर। यहाँ पर हम क्योंकि सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन आपने पढ़े थे दो तरह के, जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल नेचर के हैं, और दूसरी तरह का जिसमें एक कंपोनेंट आपके पास नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे हम उसी के लिए बात कर रहे हैं जब आपके पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए प्लस बी, और बी आपके पास नॉन वोलेटाइल है। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या बताता है? कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब कैसे डिक्रीज होगा? सपोज आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने वाटर लिया, ठीक है। अभी जब आप इसको गर्म करने के लिए रखेंगे तो वाटर वेपर्स बनाएगा, और वेपर्स बनाएंगे तो ये आपके पास इस तरह से आप इसको दिखाएंगे। अब यही वेपर्स आपके पास यहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हमने वेपर प्रेशर कहा था। लेकिन अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी ऐड कर दें तो क्या होगा कि यहाँ पर सरफेस पे कुछ पोर्शन बी के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करेंगे। अभी क्योंकि बी ने सरफेस एरिया को डिक्रीज कर दिया है, तो इसीलिए जितने वेपर्स बनने चाहिए थे उतने वेपर्स नहीं बनेंगे, और अल्टीमेटली वेपर प्रेशर आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अब इसको जब आप ग्राफिकली बताएंगे तो यह आपके पास सॉल्वेंट ए, या आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी। अब जब हम टोटल प्रेशर के लिए बात करेंगे पी टी, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग इसको हम दिखाएंगे पी ए प्लस पी पी से। अभी आपको पता है पी पी आपके पास जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि बी आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, दैट इज वेपर्स नहीं बनाएगा। तो पी टी आपके पास आया पी ए के इक्वल, और राउल्ट्स लॉ से आपको क्या पता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी पी टी इक्वल टू
पी नॉट ए डॉट एक्स ए। अभी आपको पता है मोल फ्रैक्शन के हिसाब से एक्स ए इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, ये भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू वन माइनस एक्स बी। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू वन माइनस एक्स बी, और यहाँ फिर एक्स बी इक्वल टू वन माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, और यहाँ फिर हम इसको दिखा सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। अब एक्स बी आपको पता है मोल फ्रैक्शन, और एक्स बी अगर हमें फाइंड करना है तो हम इसको दिखाएंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन गई पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, ये आपके पास आया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर जो ये वाली टर्म है पूरी, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस वाली टर्म को बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए रिलेटिव लोवरिंग का मतलब हम रेशियो को बता रहे हैं, और लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जितना वेपर प्रेशर में डिक्रीज हुआ उसको बता रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर आपसे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा तो आपने रेशियो फाइंड करनी है, और अगर आपसे सिर्फ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा तो पी नॉट ए माइनस पी टी इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पर आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एन बी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अभी हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, और आइडल सॉल्यूशन जहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, या हम कहें वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम बात करते हैं, तो उस कंडीशन में एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, तो ये वाली टर्म आपके पास इक्वल होगी एन बी अपॉन एन ए, या हम कहें कि इस वाले एन बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम कंसंट्रेशन है। तो तब आपके पास फॉर्मूला बनेगा एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। एन बी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, और ये आपके पास डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू गिवन मास, एम आपके पास मोलर मास। तो ये पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, और यहाँ से अगर हमें मॉलिकुलर मास फाइंड करना है एम बी तो आपके पास इक्वेशन बनेगी डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी टी इंटू पी नॉट ए इक्वल टू एम बी। इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं हम मॉलिकुलर मास फाइंड करने के लिए। तो जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, वहाँ पर आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें आपके पास आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी आपको याद रखना है जब हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
तो ये आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ये क्या बताता है कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट ए में अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। और ये आपने देखा भी होगा, अगर हम उबलते हुए पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दें तो उसी टाइम उसका जो उबलना है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और वो क्यों रुकता है? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको हम कैसे बताएंगे, ग्राफिकली हम इसको समझेंगे। यहाँ पर जो ये वाली वर्टिकल लाइन है ये आपके पास बता रही है वेपर प्रेशर को, और ये वाली जो लाइन है ये बता रही है टेम्परेचर को। अगर हम बात करें प्योर सॉल्वेंट के लिए, तो आपने पढ़ा है प्योर सॉल्वेंट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। सपोज यहाँ पर हम ए के लिए बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और इस पॉइंट पे ये आपके पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस पॉइंट पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। और इसको दिखाएंगे टी बी से। अभी क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के लिए बात कर रहे हैं तो हम इसको दिखाएंगे टी नॉट डी से, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। अब अभी हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ा कि अगर हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। सपोज यहाँ तक आएगा वेपर प्रेशर, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जैसे ही इसमें बी मिलाया तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, और ये यहाँ पर स्टार्ट होगा इसका ग्राफ। ठीक है, अब जैसे जैसे आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर फिर से बढ़ेगा, और इस पॉइंट पर जाके ये इस लाइन को कट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, और यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल इस पॉइंट पर होता है तो यही आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इसको दिखाएंगे टी बी से। अब आपने देखा कि टी नॉट बी से ज़्यादा बड़ी है टी बी की वैल्यू, और जितना ये डिफरेंस आया इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे दिखाएंगे इसका? सपोज प्योर स्टेट में ए का बॉइलिंग पॉइंट है टी नॉट बी, जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया टी बी से। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी बी आपके पास इक्वल होगा टी बी माइनस टी नॉट बी। एक्सप्रेशन आपके पास आया ये। अभी यहाँ पर आपने पीछे पढ़ा है वेपर प्रेशर में जो चेंज आया वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के कारण से आया, तो जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी वह आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के एक्स बी, जितना हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, क्योंकि डेल्टा टी बी आपके पास वेपर प्रेशर में जितना चेंज आया ठीक है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसी के हिसाब से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी आपका मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपके पास कॉन्स्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, जिसको हम दिखाएंगे के से, के इंटू एक्स बी। अभी एक्स बी आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम दिखा सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अभी फॉर आइडल सॉल्यूशन एन बी कैन बी नेग्लेक्टेड,
क्यों करेंगे इसको निगलेक्ट? बिकॉज एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, पढ़ा हमने अभी। अब यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन आया डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन ए। से डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन ए आपके पास डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लिख सकते हैं इसको, या फिर के इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए ऐसे दिखा सकते हैं इसको। ये वाली टर्म आपको पता है इसके इक्वल है मोलैलिटी, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए इसमें? डब्ल्यू ए आपके पास होना चाहिए के जी में, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से के इंटू एम ए इंटू एम, ये वाली जो टर्म है इसको फिर से हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम लिखते हैं के बी से। के बी यहाँ पर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसी का दूसरा नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है। अब यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन आया डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, अभी क्योंकि एम अल्टीमेटली एन बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और क्योंकि एन बी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसी से हम क्या बताते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ से अगर आपको इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट की को डिफाइन करना है तो यहाँ से हम एम को वन पुट करेंगे, तो उस कंडीशन में आपके पास इफ एम इक्वल टू वन देन डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, तो उसको डिफाइन करने के लिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। और अगर इसकी यूनिट पूछे आपसे तो यूनिट क्या होगी इसको, डेल्टा टी बी की वैल्यू या तो डिग्री सेल्सियस और या फिर हम इसको दिखाते हैं केल्विन में, और मोलैलिटी की यूनिट होगी मोल पर केजी। तो ये आपके पास इसकी यूनिट आएगी। इसमें आपके पास या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछते हैं और या फिर आपसे पूछेंगे इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए आपने इसमें एम की वैल्यू पुट कर देनी है, एम आपके पास एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, और यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वन अपॉन डब्ल्यू ए, कंडीशन के जी में लेना इसको, और या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए के जी। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने को। इसी में आपके पास तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चलती है, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या बताएगा? डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज। अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करें
तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। बी ए आपके पास प्योर सॉल्वेंट और बी हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ग्राफिकली इसको कैसे दिखाएंगे, ये आपके पास वेपर प्रेशर की कर्व और ये आपके पास टेम्परेचर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहेंगे, जिस पॉइंट पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब सॉल्यूट के लिए सपोज आपके पास ये वेपर प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह से सॉल्वेंट का सपोज यहाँ वेपर प्रेशर है और जैसे जैसे हमने टेम्परेचर कम किया तो इसका वेपर प्रेशर कम होता रहेगा, और एक पॉइंट पे आके इन दोनों की लाइन जो है वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है। तो ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको दिखाएंगे टी नॉट एफ से। अब ये हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए। अब हमने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी ऐड कर दिया, तो आपने पढ़ा है वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देगा। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सपोज यहाँ पर आपके पास उसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और इस पॉइंट पे जाके सपोज इसने कट किया तो ये जो टेम्परेचर है ये आपके पास आएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको दिखाएंगे हम टी एफ से। अभी क्योंकि यहाँ पर जो चेंज आया टेम्परेचर में उसको दिखाते हैं डेल्टा टी एफ, और ये हमें बताता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। फिर से जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है यानी डेल्टा टी एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, जितना सॉल्यूट ऐड करेंगे यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपके पास आएगा कांस्टेंट, जिसको दिखाएंगे के से, के इंटू एक्स बी। एक्स बी मोल फ्रैक्शन है जिसको हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, कहाँ से दिखा सकते हैं। अब आपको पता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन बी कैन बी निगलेक्टेड, और इसको हमने निगलेक्ट किया तो आपके पास इक्वेशन बन गई डेल्टा टी एफ इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन एन ए, जब हमने इसको निगलेक्ट किया और एन ए की वैल्यू आपने पुट की तो के इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए, और फिर से के इंटू एम ए इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, इसको हम दिखा सकते हैं रियलिटी से स्मॉल एम, यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम के एफ से, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन गया डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अभी यहाँ पर जो के एफ है, के एफ इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर आपने इसको डिफाइन करना है तो यहाँ से फिर से एम की वैल्यू वन पुट करेंगे तो डेफिनेशन कैसे बनेगी इसकी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलर सॉल्यूशन। यूनिट इसकी सेम रहेगी जैसे कि आपके पास एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए थी, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पर अगर मोलर मास फाइंड करना है तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पर मोलर मास के लिए
एम बी इक्वल टू के एफ इंटू एम बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए के जी। इस फॉर्मूले से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ तक नहीं है कि डब्ल्यू ए को के जी में ही लेना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम इसमें पढ़ते हैं वो है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहले ऑस्मोसिस आपको पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस किसको कहेंगे? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब मान लो आपने इसमें लिया एक कंटेनर, कंटेनर में हमने लिया इसमें पानी और इसके अंदर हमने लगा दी एक थिसल फनल और यहाँ पे हमने इसमें लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थिसल फनल में हमने ले लिया शुगर सॉल्यूशन। अब जैसे इसमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वाटर इसके अंदर एंटर करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसके कारण से इसमें लेवल बढ़ने लगेगा। इसमें लेवल बढ़ने लगेगा, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहेंगे? मान लो यहाँ पे आप बाहर से एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसके कारण से इसका लेवल यहीं पे रुक जाता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर अगर हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तो आपके पास इसमें से वापस आने लगेगा सॉल्वेंट और उस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, अब रिवर्स ऑस्मोसिस में कंडीशन आपको याद रखनी है एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं आरओ। सुना है आपने आरओ वाटर? आरओ वाटर में हम इसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे जिसके कारण से उसमें से जितना भी प्योर वाटर है वो सब निकल जाएगा और उसी वाटर को आप यूज़ करते हैं। अब इसके लिए जब हमें एक्सप्रेशन बताना है तो एक्सप्रेशन कैसे बताएंगे? आप ने पढ़ी है आइडल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसी की तरह से है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए डेफिनेशन। जो आपके पास एक साइंटिस्ट थे वान्ट हॉफ ने क्या बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बताया था वान्ट हॉफ एंड बॉयल ने, ठीक है। और वान्ट हॉफ और गे-ल्यूसेक ने क्या बताया? वान्ट हॉफ एंड गे-ल्यूसेक, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। अभी जब हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन आता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा जिसको हम लिखेंगे R से, R इंटू सी इंटू टी।
अभी सी आपको पता है कंसंट्रेशन, और क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन की। मोलर कंसंट्रेशन को दिखाएंगे एन पी अपॉन बी से, तो पाई इक्वल टू आर इंटू एन बी अपॉन बी इंटू टी, और या फिर बी को इधर लेके जाएंगे तो पाई बी इक्वल टू एन बी इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर ये सेम इक्वेशन, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई बी इज इक्वल टू एन आर टी। बस यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो गैसेस के लिए करते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ आपको उसमें याद रखनी है। आर को यहाँ पर हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर इसको हम नॉर्मली टर्म यूज़ करते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। वैल्यू उसकी सेम रहेगी आपके पास, जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। अगर वॉल्यूम आपके पास लीटर में है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो आर की वैल्यू हम यूज़ करते हैं 0.0821। और क्योंकि लिक्विड के लिए नॉर्मली हम इसी वॉल्यूम को लीटर में ही लेते हैं, तो इसीलिए यही आपके पास आर की वैल्यू रहेगी। ठीक है, कंडीशन यहाँ तक नहीं है, लीटर और एटमॉस्फेयर। और अगर आपके पास ये हम डेसीमीटर क्यूब और बार में लेके चलते हैं इसको, तो आपके पास ये होगी 0.083। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर आपके पास बार, ये आपने इसमें याद रखना है। अभी इसमें आपके पास एक क्वेश्चन पूछते हैं मॉलिकुलर मास फाइंड करने के लिए, तो एम बी की वैल्यू पुट करेंगे आप इसमें डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो उससे आपके पास ये फाइंड कर सकते हैं। अभी इसमें आपके पास एक और टर्म आती है एबनॉर्मैलिटी या एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस। एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस किसको कहेंगे, जो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनका यूज़ हम मॉलिकुलर मासेस फाइंड करने के लिए करते हैं। अब सबसे अच्छा जो मेथड है मॉलिकुलर मास फाइंड करने के लिए वो आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, एक फिक्स टेम्परेचर लेके हम उसको करते हैं। बाकी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, या फिर वेपर प्रेशर है, सभी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो कितनी बार क्या होता है कि जब हम मॉलिकुलर मास फाइंड करते हैं वो नॉर्मल वैल्यू शो नहीं करता, तो उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस। और ऐसा क्यों होगा, ये होता है या तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कारण से। अभी आपने पढ़ा है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं। अब डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुई तो मॉलिकुलर मास चेंज होगा, और सेम कंडीशन एसोसिएशन के लिए आएगी, तो उसी को हम एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस कहेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार्नथॉफ ने दिया था अपना एक फैक्टर, जिसको बोलते हैं बार्नथॉफ फैक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। अब आई आपके पास क्या बताता है, इट इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये रेशियो को बताता है, हमें बताएगा कितनी एबनॉर्मैलिटी आई है। अब यहाँ से क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी सभी में आपने क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहे हैं, तो एक और इसका फॉर्मूला बन गया ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स। अभी क्योंकि मॉलिकुलर मास के इनवर्स होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मॉलिकुलर मास की टर्म में आपके पास नॉर्मल मॉलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास, तो ये तीन फॉर्मूले आपके पास बार्नथॉफ फैक्टर के आएंगे। ठीक है, अभी बार्नथॉफ फैक्टर क्योंकि एबनॉर्मैलिटी को दिखा रहा है, तो इससे आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स वी,
ये पढ़ा था हमने, लेकिन जब हम इसको बांट और फैक्टर की टर्म में लेंगे तो हम इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे। आई की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, नंबर नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, इसमें भी आई से मल्टीप्लाई करना आपने। तीसरी प्रॉपर्टी डेल्टा टी बी इक्वल टू सॉरी डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई इक्वल टू आई सी आर टी। अब आई की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, अगर आपके पास सपोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके लिए आई की वैल्यू हम लेके चलते हैं 1। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट तो इसमें आपको गिवन होगा जैसे कि NaCl, तो NaCl के लिए हम आई की वैल्यू लेंगे 2, BaCl2 इसके लिए 3, जितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन आपको तब लेनी है अगर आपके पास है कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन। लेकिन अगर ऐसे लिखा है पार्शियल डिसोसिएशन तो वहाँ पे आपको देंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा आपने निकालना है यहाँ से आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम डिसोसिएशन के लिए, जहाँ पर भी डिसोसिएशन होगा। और अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन जहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे। अब इसमें जब आपके पास बात करते हैं डाइमर, डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गई हैं, तो वहाँ पर आई की वैल्यू आपने लेनी है 1/2। अगर बात कर रही हैं ट्राइमर की, तो ट्राइमर का मतलब तीन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, देन आई इक्वल टू 1/3। और इसी तरह से टेट्रामर, आई इक्वल टू 1/2। इन सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब आपने पढ़ लेना है बुक से अपनी, और कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।